हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आज से मिश्रा फूड ब्लॉग में। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बनाएंगे हम काजू कतली। कोई भी फेस्टिवल हो या फास्ट हो आपका, आप इसको बना के खा सकती हैं, या कहीं आपको सफर में जाना है तो आप भी इसको ले जा सकते हो। जल्दी खराब नहीं होता है, 1 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं इसको। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हम अपनी रेसिपी कैसे बनाते हैं आज। यहाँ पे लिए हैं 1 कटोरी पीनट्स यानी कि मूंगफली का दाना। ये है हमारा 1 कटोरी शुगर यानी कि चीनी। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स काजू 10-15 मैंने इसको ले लिया है। ये है हमारी हरी इलायची, इसको भी मैंने कूट लिया है। बारीक पाउडर बना के इसको हम डालेंगे। आज की हमारी रेसिपी है फ्रेंड, मूंगफली कतली हम बनाएंगे। एकदम काजू कतली की तरह रहेगा, टेस्ट एकदम काजू कतली की तरह आएगा। सिर्फ 100 रुपये में काजू कतली बनके हमारे तैयार हो जाएगी। इतनी सस्ती मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है काजू कतली। आप चाहें तो मूंगफली के दाना का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, हम तो इतना ही लिए हैं। किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट करके लीजिए, बहुत अच्छा बनेगा काजू कतली। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि कैसे बनाते हैं अपना काजू कतली। सबसे पहले हम गैस को ऑन किए हैं, एक कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपना मूंगफली का दाना इसको रोस्ट करेंगे। ज़्यादा समय रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म ही हो जाए ताकि छिलका आसानी से निकल जाए। फ्रेंड, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कैसे मैंने अपनी रेसिपी बनाई है। मूंगफली का दाना हमारा रोस्ट हो चुका है, हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। एक थाली में निकालेंगे मूंगफली का दाना, इसका छिलका हम ऐसे हाथ से मसल के निकाल लेंगे सारे छिलके को। बिना मावा, बिना घी के, बिना दूध के इतनी महंगी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड, आप समझ भी नहीं सकते हैं। और इतनी टेस्टी मिठाई। मूंगफली के दाने का सारा छिलका हम उतार लिए हैं। अब हम अपना काजू भी रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है इसको भी। कलर आने के पहले ही इसको निकाल लेना है हमें। गैस की फ्लेम मीडियम ही रहेगा। एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम डाल के ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड में एक बैग नहीं करना है, रुक रुक के ग्राइंड करना है। 1 मिनट चलाने के बाद में मिक्सर को बंद कर दीजिए, इसमें काफ़ी तेल होता है। मूंगफली के दाने में अच्छे से नहीं तो पीस नहीं जाएगा। मूंगफली का दाना हमारा पीस गया है, अब देख सकते हो कितने अच्छे से पीस गया है। अब इसको हम एक छन्नी लेके छानेंगे। इसी तरीके से अपना हम काजू भी इसमें ग्राइंड कर लेंगे। छानने के बाद में जो मोटा बचे उसको भी फिर से ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर जार में डाल के। अगर आपका बारीक है दाना तो आप इसको नहीं छान दें, ऐसे ही रहने दीजिए, तब भी अच्छा बनेगा। काजू भी हम ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी हमारा खूब बारीक ग्राइंड हो गया है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे बनाते हैं अपनी रेसिपी। ये हमारा 1 कटोरी चीनी, इसको हम डाल देंगे। आधी कटोरी से हम पानी लेंगे। 1 कटोरी हमारी चीनी है, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा पानी है। पानी में ज़्यादा नहीं डालना है, चीनी में वैसे ही पानी ज़्यादा निकलता है। चाहते हैं इनमें से तार की बनाएंगे। चाशनी हमारी 1 तार की बन चुकी है, अब हम इसको मूंगफली दाना भी डाल देंगे, इसको भी डाल के, अब इसको भी डाल देंगे हम। काजू भी पिसा हुआ, इसको भी डाल के मिक्स करेंगे। इसको हम आटा की डो की तरह लगा लेंगे, जैसे आटा की डो लगाया जाता है। जब तक आटा का डो परफेक्ट ना बन जाए तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। एक पॉलीथीन हम लिए हैं, उसी में 1 चम्मच घी डाल के लगा देंगे।
आपके पास में बटर पेपर हो तो बटर पेपर पर आप लगा सकते हैं, तो मोती वाली पॉलीथीन भी है, इसी में हम अपना बनाएंगे अच्छे से। इसी के ऊपर एक पॉलीथीन ऐसे हम पलट लेंगे, इसको हम इसे हाथों से मस लेंगे अच्छे से। आप इसे चाहो तो फास्ट में खा सकते हो बना के, या कहीं सफर में जा रहे हो तो उसको भी बना के अच्छे से खा सकते हो। एक महीने तक आप स्टोर भी कर सकते हो, कोई भी खराब होने वाला नहीं है। एक बेलन लेकर इसको हम बेलेंगे इसी पेपर के ऊपर। ये हमारा पेपर है प्लास्टिक वाला, बेलन लेके हम बेल लिए हैं। ना बहुत पतला रहेगा ना बहुत मोटा रहेगा। इसको हम ऐसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब हम चाकू से काटेंगे। आप जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं इसको बना के। बहुत टेस्टी मिठाई बनी है हमारी, या कोई भी तीज त्योहार हो उस पर भी बना के ये मिठाई रख सकते हैं, एक महीने तक खराब नहीं होगा। तो हम इसको काटेंगे लकड़ी को अपने, आप जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में काट सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे, इसको हम ऐसे ही काटेंगे। अगर आपके पास में चांदी का वर्क हो तो उसको भी लगा लीजिए, उससे लगाने से लुक बहुत अच्छा आ जाता है काजू कतली की। इसको से किनारे से इसको निकाल के अलग कर लेंगे। अब इसको हम काटेंगे, कितनी अच्छी हमारी बन के तैयार हो गई है बर्फी काजू कतली, कितनी अच्छी बनी है। आप इसे लड्डू गोपाल जन्माष्टमी पे भोग लगाइए। काजू कतली हमारी बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। एक आपको हम तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल एकदम से हलवा भी नहीं है, तोड़ने से तुरंत टूट जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ऐसे बनाइए जन्माष्टमी उपलक्ष्य में या कोई तीज त्योहार।